एक के बाद एक मुसीबत। फजा में कुदरती ऑक्सीजन में कमी के खदशात बढ़ गए। चिमनियों से निकलने वाला जहरीला धुआं, जनूबी पंजाब की फजा जहर आलूद हो गई। बहावलपुर जनूबी पंजाब का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 तक पहुंच गया। सरगोधा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 135 रिकॉर्ड। शहरियों में सांस की तकलीफ बढ़ने लगी। सरगोधा वालों अब तो एहतियात कर लो। शाहीनों के शहर में मस्बत केसेस की शराब 50% से तजावुज कर गई। एक ही रोज में रिकॉर्ड 234 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 1112 तक जा पहुंची। उधर मुल्तानियों की बेख्तियाती से कोरोना संगीन हो गया। निश्तर अस्पताल आईसीयू के 94% वेंटिलेटर्स मरीजों से भर गए। जुनूबी पंजाब में कोरोना 13 इंसानी जाने निकल गया। मुल्तान में 175, बहावलपुर 87 और रहीम यार खान में 51 मरीजों में कोरोना की तस्दीक। डीजी खान में 42, खानेवाल 20, मुजफ्फरगढ़ 14 और मियावाली में 10 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कोरोना के बाद तालीमी निजाम शदीद मुतासर। 15 जून तक जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में इम्तिहानात मनसूख। इम्तिहानात जुलाई या अगस्त तक जा सकते हैं। ओ लेवल के इम्तिहानात अक्टूबर नवंबर में होंगे, जबकि सिर्फ ए टू के बच्चों के इम्तिहानात अभी होंगे। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि किसी बच्चे का तालीमी साल जाया नहीं होने देंगे। महफूज रहने के लिए घर पर रहिए। जनूबी पंजाब की आवाम ईद उल फितर घर पर ही मनाएगी। ईद उल फितर की छुट्टियों में कोई सैर व तफरी नहीं होगी। एनसीओसी के कोरोना से बचाव बारे बड़े फैसले। 8 से 16 मई तक तमाम तफरीही पब्लिक मकामात, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स बंद रखने का फैसला। मरासला जारी। वफात पा चुके सरकारी मुलाजिम की पेंशन का हकदार कौन होगा? फैसला हो गया। सरकारी मुलाजिम की औलाद में सबसे बड़ा बेटा या बेटी ही पेंशन वसूल करने के हकदार होंगे। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन के हवाले से पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। एक से ज्यादा शादियां करने वाले सरकारी मुलाजिम की ज्यादा उम्र वाली बीवी पेंशन की हकदार होगी। वर्कर्स की कम अज कम माहाना उजरत में 2000 रुपए इजाफा। पंजाब हुकूमत ने मजदूर की माहाना उजरत 17,500 से बढ़ाकर 19,500 रुपए कर दी। कम अज कम रोजाना उजरत 750 रुपए मुकर्रर। इतलाक 1 जुलाई से होगा। रजिस्टर्ड वर्कर्स को सेहत सहूलियात के लिए कंप्यूटराइज्ड सोशल सिक्योरिटी कार्ड जारी कर दिए गए। स्टेक होल्डर्स को एक माह में तजावीज और एतराजात से आगाह करने की हिदायत। नया पाकिस्तान मंजिल आसान प्रोग्राम फेज टू के हवाले से खुशखबरी। मुल्तान में नया पाकिस्तान मंजिल आसान प्रोग्राम का फेज टू मुकम्मल। जिले भर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की 4 बड़ी स्कीम 37 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल। अलीवाला चौक, मुजफ्फरगढ़ रोड, तबस्ती, फतूपुर रोड, बस्ती लोथर, शहीदाबाद समेत दीगर मकामात पर मंसूबा मुकम्मल किया गया। रहीम यार खान में निजी अस्पताल के डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। नौमौलूद की जान ले गई। डिलीवरी के दौरान नौमौलूद बच्चा जाँ बहक। खातून की हालत तशवीशनाक। अमलाओ डॉक्टर फरार। शहरियों की शिकायत पर महकमा सेहत की टीम मौके पर पहुंच गई। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर और लैब को सील कर दिया गया। कोरोना छुट्टियां लेने और पैसे बटोरने का जरिया बन गया। मुल्तान में ट्रैफिक एहलकार को जाली रिपोर्ट्स बनवाना महंगा पड़ गया। ट्रैफिक वार्डन अंसर के खिलाफ थाना चहलीक में मुकदमा दर्ज। इंक्वायरी पर पेश की जाने वाली तीनों रिपोर्ट जाली साबित हुई। इलाज कीमत में 25,000 रुपए भी सरकार से ईंट लिए। बॉन्ड ने खानेवाल में भी जाली लाइसेंस बनाकर फोर्ज किया था। चीनी के हसूल ने आवाम को भिखारी बना दिया। चौक सर्वर शहीद में चीनी के हसूल के लिए लंबी कतारें। शहरी कोरोना का होप भी भुला बैठे। मास्क का इस्तेमाल, ना ही सामाजिक फासले का ख्याल। उधर खानेवाल में चीनी के स्टॉल्स पर आवाम का रश। इंतजामिया हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। मुल्तान और बहावलपुर में एक बार फिर चीनी का बहरान सर उठाने लगा। कैंट बाजार, पुराना शुजाबाद रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी गायब। शमसाबाद रमजान बाजार में मिलने वाली 2 किलो चीनी की मकदार कम करके 1 किलो कर दी गई। हुकूमत रैलीफ और सहूलत देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। गर्मी के सताए रोजेदार फट पड़े।
मियांवाली में चीफ सेक्रेटरी मॉनिटरिंग टीम जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुतहर्रिक। तलागंज रोड पर जखीरा की गई, सैकड़ों गटू चीनी पकड़ ली गई, दो दुकानें सील। चीनी को सरकारी तहवील में ले लिया गया। डेरा गाजी खान के 12 स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की नाकिस कारकर्दगी। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद बरहम, दो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, चार नायब तहसीलदार समेत 12 मजिस्ट्रेट को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। तीन रोज में वजाहत तलब, तसली बख्श जवाब न मिलने पर मजिस्ट्रेट के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई का इंदिया दे दिया। रमजानुल मुबारक में आवाम को भरपूर रिलीफ मुहैया करने का अजम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुलज़ार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीर आला ने प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर अमल दरामद का जायजा लिया। आटे, चीनी और अशियाए ज़रूरिया की सप्लाई और तलब पर तबादला ख्याल किया। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट में 2,33,00,000 की करप्शन का मामला। एंटी करप्शन हुकाम ने MWMC से रिकॉर्ड तलब कर लिया। भर्ती किए गए ड्राइवर्स की तफसीलात भी फराहम करने की हिदायत कर दी। हुकूमत को ताजरों के मसाइल समझने होंगे। 6 बजे तक मार्केट्स बंद करने से कोरोना मजीद फैल रहा है। सदर सरगोधा चैंबर ऑफ कॉमर्स आसिफ अमीर अवान की गुफ्तगू। बोले, आज से DC कमिश्नर ने मार्केट बंद करने के फैसले पर उन्हें कभी नहीं बुलाया। हुकूमत कारोबार के हवाले से संजीदगी से गौर करें। लॉकडाउन में 17 मई तक इजाफे पर सनतकार परेशान। सदर मुल्तान चैंबर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा सलाहुद्दीन ने कहा कि कोरोना के बाद शदीद होते जा रहे हैं हुकूमती इकदाम काबिले सताइश हैं। ईद वो वाहिद त्यौहार है जो साल में ताजरों की कमाई का जरिया है। ईद के दिनों में दुकानों के औकात का शाम 8 बजे तक करने की अपील भी कर दी। सेक्रेटरी फॉरेस्ट साउथ पंजाब सरफराज खान मक्सी का दौरा खानीवाल। एडिशनल सेक्रेटरी फाहद हैदर के हमरा सीट हिस्ट्री में सरगर्मियों और पैदावार के मुख्तलिफ मराहिल का तफसीली जायजा लिया। मनसूबे की तामीर में शफाफियत को यकीनी बनाने और जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर बहावतपुर इरफान अली काठिया की जामिया मस्जिद अल सादिक आमद। तारीखी मस्जिद को असासा करार दे दिया। मस्जिद से जुड़े मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले अफराद को मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की पीपल्स पार्टी ओहदेदारान से मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी को सैनेट में फतह पर मुबारकबाद दी गई। कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आईन और कानून की हुक्मरानी की बात की है। जलालपुर में जिला इंतजामिया और पाक फौज का फ्लैग मार्च। पुलिस, अलीट और दीगर इदारों की शिरकत। AC का पाक फौज और पुलिस के हमरा मगरबी बाजार का दौरा। SOPs के खिलाफ वर्जी पर 8 दुकानें सील। 25,000 जुर्माना आयद किया गया। और लैया वुमेन चैंबर ऑफ कॉमर्स के जरे अहतमाम खवातीन के लिए सुपनो बाजार। खवातीन के हाथों से बनी अशिया स्टॉल्स की जीनत बन गई। डिप्टी कमिश्नर लैया असफरजान ने बाजार का इफ्तिताह किया।